हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे चैप्टर टू मेजर ट्राइब्स ऑफ द वर्ल्ड। मैन हैज़ बीन लिविंग ऑन द अर्थ सिंस वेरी लॉन्ग टाइम। जो इंसान था वो अर्थ पर काफ़ी लंबे समय से रह रहा था। द ह्यूमन सर्वाइवल इज बेस्ड ऑन द मैनेजमेंट। और जो ह्यूमन सर्वाइवल था वो बेस्ड था मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज पर, यानी जो भी नेचुरल रिसोर्सेज थे उस पर ये ह्यूमन सर्वाइव कर रहा था। ड्यू टू विच टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट, और क्योंकि जो टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट हुआ बहुत तेज़ी से डेवलप हुआ, हैज़ बीन रैपिडली डेवलप एंड गेट द ऑप्टिमम इन द सोसाइटी। टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट के तेज़ी से होने के साथ साथ जो इंसान था उसको बहुत ज़्यादा मिला, ये सर्वोत्तम मिला अपने समाज से। लेकिन वहीं दूसरी तरफ, यानी ऑन द अदर हैंड सम पार्ट ऑफ द वर्ल्ड इन विच द ट्राइबल ग्रुप्स आर सिचुएटेड, जहाँ पर के ट्राइबल ग्रुप्स रहते थे, लिविंग देयर लाइफ अपनी रहते हैं आज भी ऐसी जगह पर जहाँ अपने जो कि काफ़ी दूर दराज है, माउंटेनियस रीजन है, हॉट एंड ड्राई डेजर्ट्स हैं, या कोल्ड रीजन्स हैं, या डेंस फॉरेस्ट हैं, या ग्रासलैंड है, वहाँ पर ये लोग आदि मानव की ज़िंदगी अभी भी व्यक्त कर रहे हैं। यानी अभी भी ये लोग आदि मानव की तरह ही रहते हैं, प्रिमिटिव लाइफ लाइफ इन प्रिमिटिव मैनर में ही अपनी लाइफ को स्पेंड करते हैं। या ये कहें कि आज भी ये मजबूर है आदिवासी रूप में अपनी ज़िंदगी व्यक्त करने में। दे हैव देयर ओन यूनिक ट्रेडिशन, लेकिन इनके अपने ही ट्रेडिशन होते हैं, इनके अपने ही कल्चर होते हैं, स्पेशल कल्चर होते हैं, सोशल स्ट्रक्चर इनका अपना होता है, कस्टम एंड बिलीव्स इनके अपने होते हैं, यानी कि सबसे डिफरेंट होते हैं। द बेस ऑफ द इकनॉमी ऑफ सच ट्राइब, और इन सब इनकी जो इकनॉमी है उसका जो बेस है ऐसी ट्राइब्स का, वो है वो होता है फूड गैदरिंग, हंटिंग, नोमैडिक लाइफ, कैटल ग्रेजिंग एंड प्रिमिटिव टाइप ऑफ एग्रीकल्चर। यानी कि ये लोग अभी भी फूड का कलेक्शन करते हैं, हवा भटक के हंटिंग करते हैं, नोमैडिक लाइफ जीते हैं, बंजारों की तरह जीवन जीते हैं, जानवरों को पालते हैं, चराने जाते हैं, और प्रिमिटिव टाइप के एग्रीकल्चर करते हैं। यानी कि उनके पास अभी भी डेवलप टूल्स नहीं है जिससे कि वो एग्रीकल्चर कर सकें। दे आर इंडिकेटर्स ऑफ द रिलेशनशिप ऑफ प्रिमिटिव ह्यूमन, और ये इंडिकेटर्स हैं प्रिमिटिव ह्यूमन और एनवायरनमेंट के बीच के रिलेशनशिप को इंडिकेट करते हैं, शो करते हैं। देयर कॉन्टैक्ट विद द मॉडर्न डेवलप सिविलाइजेशन, इनका जो कॉन्टैक्ट है मॉडर्न डेवलप सिविलाइजेशन के साथ वो ना के बराबर है, निग्लिजिबल है। ट्राइब्स रियली डू नॉट बिलोंग टू द बायोलॉजिकल ग्रुप्स बट रिप्रेजेंट द सोशल कल्चर ग्रुप। जो ट्राइब्स हैं ये बायोलॉजिकल ग्रुप से बिलोंग नहीं करते हैं, बल्कि ये रिप्रेजेंट करते हैं सोशल कल्चर ग्रुप से। यानी कि बायोलॉजिकल वे में तो ये हमारे तरह ही दिखते हैं, लेकिन जो सोशल कल्चर है ये बिल्कुल अलग है। ट्राइब्स आर ग्रुप ऑफ दोज पीपल, ये ट्राइब्स की डेफिनेशन है जो कि आपसे एग्जाम में पूछी जा सकती है। ये ट्राइब्स क्या होते हैं? जो ट्राइब्स होते हैं ऐसे ग्रुप्स, ट्राइब्स आर दोज ग्रुप्स, जो अंडरलाइन करूँ ये डेफिनेशन से, आप इसको अपनी कॉपी में नोट कर सकते हैं। ट्राइब्स आर दोज ग्रुप्स, दोज ग्रुप ऑफ दोज पीपल, ये ऐसे लोगों के ग्रुप होते हैं हु आर क्लोजली रिलेटेड टू वन अनदर, जो एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं बाई सोशल कस्टम एंड कल्चरल ट्रेडिशन, सोशल कस्टम और कल्चरल ट्रेडिशन से। तो ये ट्राइब की पूरी डेफिनेशन हो गई आपकी, कि ट्राइब्स आर द ग्रुप्स ऑफ दोज पीपल हु आर क्लोजली रिलेटेड टू वन अनदर। मेजर ट्राइब्स वर्ल्ड के अंदर कौन कौन सी हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो मेजर ट्राइब्स में आपके आ जाएगा कि ट्राइब्स लिविंग इन द पोलर एंड कोल्ड रीजन्स, ऐसी ट्राइब्स जो कि कोल्ड और पोलर रीजन्स के अंदर रहती हैं, जिनमें आते हैं एस्किमोज एंड समोयत। और ट्राइब्स लिविंग द इक्वेटोरियल डेंस फॉरेस्ट में आता है आपके कौन कौन सी ट्राइब रहती हैं, वो है पिग्मी, सिमंग एंड सकई। फिर देन ट्राइब्स लिविंग इन द ड्राई एंड हॉट डेजर्ट, ड्राई एंड हॉट डेजर्ट के अंदर कौन सी ट्राइब रहती है, वो है बुशमैन। ट्राइब्स लिविंग इन द ट्रॉपिकल ग्रासलैंड, वो है आपके मसई एंड बडो। ट्राइब्स लिविंग इन द टेम्परेट रीजन में रहने वाली जो ट्राइब है वो है खिरिज।
ट्राइब्स लिविंग इन द एसेसिबल माउंटेन, और जो एसेसिबल माउंटेनियस और प्लेट्यू रीजन्स के अंदर रहने वाले जो ट्राइब्स हैं वो हैं भील गोंड, संथाल, मीना, नागा एट्सेट्रा। ये सारे ट्राइब्स वो हैं जो कि माउंटेनियस और प्लेट्यू रीजन्स के अंदर रहती हैं। इस चैप्टर के अंदर हम एस्किमोज और बुशमैन ऑफ द वर्ल्ड के अंदर हम एस्किमोज और बुशमैन के बारे में पढ़ेंगे, और भील और गोंड ट्राइब के बारे में इंडिया की डिटेल लेंगे। तो इसमें इस चैप्टर में हम चार ट्राइब्स के बारे में पढ़ेंगे, वर्ल्ड में एस्किमोज एंड बुशमैन एंड भील एंड गोंड इन इंडिया। तो सबसे पहले हम लेते हैं टॉपिक आपका एस्किमोज। आपसे इसके बारे में पूछा जा सकता है एग्जाम में कि गिव अ ब्रीफ डिटेल या गिव अ ब्रीफ डिटेल ऑन द एस्किमोस। एस्किमोस के बारे में आपको बताना पड़ेगा या शॉर्ट नोट पूछा जा सकता है, तो इसमें आपको तैयार करना है इसके बारे में। तो ये जो ट्राइब है, दिस ट्राइबल ग्रुप इज रिलेटेड टू द आर्टिक रीजन। ये जो ट्राइब है वो आर्टिक रीजन से रिलेटेड है ऑफ द वर्ल्ड। दे आर हंटर, ये जो लोग होते हैं वो हंटर होते हैं, फिश कैचर होते हैं, और ये अपनी जिंदगी को जीते हैं फूड को कलेक्ट करके। द वर्ड एस्किमोस स्टैंड फॉर द रॉ मीट ईटिंग मैन एंड इनहेबिटेंट ऑफ स्नोई रीजन। अगर आपसे पूछा जाए व्हाट डू यू मीन बाय एस्किमोस, तो ये जो एस्किमोज है, द वर्ड एस्किमोस का आंसर ये है, द वर्ड एस्किमोस स्टैंड फॉर अ रॉ मीट ईटिंग, कच्चा मांस खाते हैं, और इनहेबिटेंट और स्नोई रीजन के अंदर रहते हैं, उनको एस्किमोस कहा जाता है। एस्किमोज आर रिलेटेड टू मंगोलियंस, ये रिलेटेड होते हैं मंगोलियन प्रजाति से। एंड विच है फ्लैट एंड ब्रॉड फेस, जिनका भी फ्लैट और ब्रॉड फेस होता है, इनके येलो टू ब्राउन इनकी स्किन का कलर होता है, और इनके काले और गंदे बाल होते हैं। मीडियम स्ट्रेचर एंड बोर्ड नॉज ब्रॉड नोज, और इनकी चौड़ी नाक होती है, मीडियम और ब्रॉड इनकी नाक होती है, और डीप ब्राउन एंड स्क्विड इनकी आईज होती हैं, यानी भूरी और स्केव्ड आईज होती हैं इनकी। एंड इनके जो जबड़े होते हैं, जॉज आर हैवी, इनके जो जॉज होते हैं वो भारी होते हैं, और जो माउथ होता है वो काफ़ी चौड़ा होता है, वाइट एंड टीथ आर वाइट, और उनके दांत होते हैं वो सफ़ेद होते हैं। एंड स्ट्रॉन्ग देयर बॉडी, इनकी जो बॉडी होती है वो स्ट्रांग होती है एंड मस्कुलर होती है। दे मेंटेन देयर स्टेबिलिटी, सिवरिटी एंड कॉन्शियस कॉन्साइंस इवन टाइम ऑफ क्राइसिस, और जब क्राइसिस का समय होता है उस समय भी ये अपने अंदर स्थिरता बनाए रखते हैं, सिवरिटी और अपने कंसाइंस को बनाए रखते हैं। दे आर सिंपल एंड चेयरफुल बाय नेचर, ये साधारण और हंसमुख होते हैं नेचर के। जो हैबिटेट, तो इसका फर्स्ट पॉइंट है आपका हैबिटेट, ये कहाँ रहते हैं। तो फ्रॉम द अर्ली डेज से ही जो एस्किमोज हैं वो लिमिटेड हैं आर्टिक और टुंड्रा रीजन के अंदर वर्ल्ड में। तो यानी कि ये कहाँ रहते हैं, ये रहते हैं आर्टिक एंड टुंड्रा रीजन ऑफ द वर्ल्ड। और इस रीजन के अंदर क्या क्या इंक्लूड होता है, ये जो रीजन है वो एक्सटेंड होता है फ्रॉम अलास्का से लेकर और बीरिंग स्ट्रेट तक होता है। दे लिव इन अलास्का, ये रहते हैं अलास्का, कनाडा, ग्रीनलैंड एंड इन द रीजन ऑफ नॉर्थ साइबेरिया। ट्राइब्स आर लिविंग इन द नॉर्थ कनाडा एंड ग्रीनलैंड। जो ट्राइब्स नॉर्थ कनाडा और ग्रीनलैंड के अंदर रहती है उसको एस्किमोज कहा जाता है, नोन एज एस्किमोज। इन स्कैंडिनेविया लैप्स एंड समोयद, याकूट एंड चुकची एंड टंग इन द नॉर्थ साइबेरिया, ये इस जगह पर भी रहते हैं। शोज देयर हैबिटेट, ये इनके हैबिटेट को शोज करता है। ये जो मैप है
2.1 ये मैप शो करता है कि ये लोग कहाँ कहाँ पर रहते हैं। तो आपने देखा होगा ये है अलास्का, अलास्का के अंदर इन्होंने बता रखा है, दूसरे पता इन्होंने बता रखा है नॉर्थ पोल, ऑफ नॉर्थ पोल साइड में रहते हैं, इधर ग्रीनलैंड के अंदर रहते हैं ये, और यहाँ ये जगह जो बताई है इन्होंने ये हैबिटेट है एस्किमोज के रहने की जगह है, मोस्टली ये लोग यहाँ पर पाए जाते हैं। अबाउट 10 लाख एस्किमोज आर लिविंग इन द एरिया ऑफ लो टेम्परेचर, और 10 लाख जो एस्किमोज हैं वो ऐसे एरिया के अंदर रहते हैं जहाँ का टेम्परेचर बहुत ही लो है, आइसी स्टॉर्म्स चलते हैं और डिम लाइट रहती है और क्लाइमेट बहुत ही ज़्यादा हार्श होता है। इन दिस रीजन विंटर इज़ वेरी लॉन्ग, इस रीजन के अंदर जो विंटर होते हैं वो काफ़ी लंबे होते हैं और समर जो होती है वो बहुत छोटी होती है, क्योंकि ये पोलर रीजन्स में रहते हैं। एनुअल एवरेज, जो एनुअल एवरेज है टेम्परेचर के रिमेन बिलो, ये हमेशा 0 डिग्री से कम ही रहता है ड्यू टू लैक ऑफ वेजिटेशन, और इसी की वजह से वेजिटेशन की कमी पाई जाती है, आइसी स्टॉर्म्स आर कॉमन, और वेजिटेशन कम होता है इसलिए वहाँ पर हमेशा आइसी स्टॉर्म्स चलते रहते हैं, यानी कि बर्फ के तूफान आते रहते हैं। रेन अकर्स इन द फॉर्म ऑफ स्नो, जो रेन है वो स्नो के रूप में अकर होती है, मतलब स्नोफॉल होता है वहाँ पर, एंड दिस इज स्कैर्सिटी ऑफ प्लांट, सॉरी देयर इज स्कैर्सिटी ऑफ प्लांट, यहाँ पर प्लांट्स की कमी पाई जाती है क्योंकि यहाँ का क्लाइमेट है वो बहुत ज़्यादा हार्श है। ओनली इन द शॉर्ट पीरियड, लेकिन कुछ ही पीरियड के अंदर ऑफ द समर, समर समर सीजन में अलगाई लीचन एंड डिफरेंट कलर ऑफ फ्लावर्स और फ्लावर्स एट्सेट्रा ग्रो हेयर, ये कुछ नाम इन्होंने बता रखी कि वो समर सीजन में ही इनको ग्रो किया जा सकता है। ये अलगाई है आपका, लीचन है एंड और अलग अलग कलर के फ्लावर्स यहाँ पर ग्रो किए जाते हैं। पोलर बियर्स, यहाँ पर जो एनिमल्स पाए जाते हैं वो पोलर बियर्स है, लैमिंग, मक्स डियर, रेंडियर्स, रेंडियर जिसको कह रहे वो बोला जाता है, फॉक्स, वॉल्फ, डॉग एट्सेट्रा, ये सारे मेन एनिमल्स हैं यहाँ के जो यहाँ पाए जाते हैं। वेरी बिग फिशेज लाइक सील, बहुत बड़ी बड़ी फिश होती हैं जैसे कि सील, वेल, वॉरस, सी लायन एट्सेट्रा, ये सब यहाँ पर पाए जाते हैं। तो ये तो था इनका हैबिटेट और यहाँ पे कौन से वेजिटेशन है और इनके क्या जैसे एनिमल्स कौन से पाए जाते हैं वो सब बताया गया। नेक्स्ट आता है आपका इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के अंदर इंक्लूड होता है आपका हंटिंग, हंटिंग भी 2 टाइप्स इसको डिवाइड किया गया है, 2 टाइप्स के अंदर, एक होता है विंटर सीजन हंटिंग और दूसरा होता है आपका स्प्रिंग हंटिंग। फिर देन उसके बाद आता है आपका फूड, क्लोथ, शेल्टर एंड इंस्ट्रूमेंट इक्विपमेंट्स का यूज़ करते हैं, इनका सोसाइटी एंड कल्चर क्या है, हैबिटेट, एनवायरमेंटल एडजस्टमेंट, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ मॉडर्न कल्चर, इन सब के बारे में हम कल आपको इसको डिटेल से बताएंगे। तो आज के लिए इतना बहुत है, जितना समझाया उसको याद कर लीजिए। आज आपने केवल पढ़ा है एस्किमोस क्या होते हैं और इनके हैबिटेट कहाँ पर होते हैं, वर्ल्ड के अंदर कितने प्रकार के ट्राइब्स पाए जाते हैं और हम किन 2 के बारे में पढ़ेंगे। तो ओके, बाय, हैव अ नाइस डे।